तुम्हारी शादी की शुभ घड़ी आ गई है, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अपना हाथ शेषनाग के हाथ में दो। देखो देखो इस अद्भुत मिलन का नजारा देखो। आज नाग वंश से सारे नाग और नागिन आए हैं। शेष नाग और शेष नागिन की शादी के लिए ये मिलन और ये संगम सैकड़ों सालों के बाद एक बार ही आता है। चलो शादी की रस्में शुरू करते हैं। अब तुम दोनों ये नाग मुकुट एक दूसरे को पहनाओ। प्रथा अब तुम भी पहनाओ। अब इस अद्भुत शादी के अद्भुत फेरे होंगे। शेषनाग अब आप प्रथा के मांग में सिंदूर भरिए और इस शादी को संपन्न कीजिए। कहाँ खो गई हो? आगे बढ़िए, फेरे लेने। आग! प्रथा! ये आग कैसे लगी? प्रथा अभी और मत रो। तुम्हारी तड़प के आंसू की वजह से ये आग लगी है। तुम्हारा हर एक आंसू अंगार बन रहा है। अब ये अंगार मैं बुझाऊंगा। अब एक और आंसू नहीं गिरेगा। फेरों की रस्म शुरू करते हैं। नहीं, नहीं।
ये कोई साधारण आंसू नहीं थे, ये तुम्हारे दिल में लगे विरह के आंसू थे। वही विरह के आंसू जो करोड़ों साल में एक बार आंखों से बहते, जो सती की आंखों से बहे थी जब वो अपने पति से दूर हुई थी, अपने शिव से दूर। तुम आज इस मंडप में मेरे सामने तो हो, तुम्हारा शरीर इधर है लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, तो आओ देखते हैं तुम्हारे दिल में कौन है। ऋषभ, तो तुम ऋषभ से प्यार करती हो, और कोई साधारण प्यार नहीं है ये, रूहानी प्यार। वही प्यार जो शिव और गौरी ने किया था। देखो तुम्हारे प्यार की निशानी तुम्हारे प्यार की कहानी बता रही है। तुम्हारे हाथ पर अभी भी उसके नाम का मंगलसूत्र है। तुम तो पहले से सुहागन हो प्रथा, तो मैं तुम्हारा सुहाग कैसे बन सकता हूं? नहीं बन सकता। और तुम्हारा दिल तो पहले से ही किसी और के साथ बन चुका है, तो मैं ये प्रेम बंधन कैसे तोड़ सकता हूं? मैं अग्नि की साक्षी में तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ये शादी कैसे कर सकता हूं? तो आज मैं तुम्हें मेरी दी हुई हर रसम हर कसम से आजाद करता हूं। तुम्हारी किस्मत भले ही मैं हूं, पर तुम्हारा प्यार वो है। जाओ अपने प्यार के पास चली जाओ, क्योंकि प्यार हर किस्मत हर कायनात हर ब्रह्मांड से ऊपर। प्यार का सजदा स्वयं भगवान ने किया। पर किस्मत के खिलाफ हम कैसे जाएं? शेष नागिन और शेष नाग का विवाह तो नागलों की प्रथा में लिखा है, इस लिखे को हम कैसे मिटा सकते हैं? है एक रास्ता। क्या रास्ता? त्याग। त्याग। अगर शेष नाग अपने प्यार का त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत ले ले, ब्रह्मचारी बन जाए, तो शेष नागिन इस विवाह से मुक्त हो सकती है। मैं शेषनाग शिव जी की साक्षी में इस गंगा जल को छूकर अपने शिव को वचन देता हूं कि आज से मैंने ब्रह्मचर्य व्रत रख लिए। अब जीवन भर मैं ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा। कभी किसी से विवाह नहीं करूंगा। हर हर महादेव। प्रणाम करती मैं उस शक्ति को जिस पे पूरी धरती टिकी है। प्रणाम करती मैं उस शक्ति को जो नाग युग की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। आप महासर्वश्रेष्ठ महाविष्णु महालक्ष्मी के महासैया बन के महासागर में विराजित हैं। इससे बड़ा सौभाग्य कहाँ? आज मैं तुम्हें तुम्हारा सौभाग्य वापस देता हूँ। जाओ अपने प्यार के पास चली जाओ। चलो
सीमा देख, मैं तेरी बचपन की दोस्त हूँ, तू चाहे लाख थप्पड़ मार ले, लेकिन आज तो मैं वो दिल की बात करके ही रहूंगी जो मैं कब से करने की कोशिश कर रही थी तुझसे। देख सीमा, ऋषभ और रीम की शादी होने वाली थी फिर नहीं हुई, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, अब भी करते हैं, तो जो शादी तब नहीं हुई वो अब क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है, देखना मुहूर्त तैयार है और मंडप भी तैयार है, बस तू आकर, और तुम भी। आंटी, मेरी और ऋषभ की दोस्ती अच्छी है, मैं पुरानी चीजों को मन में नहीं रखूंगी, मैं सब कुछ भूल के ऋषभ के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब आग तो लगी हुई है ना हमारे बच्चों के सीनों में, प्यार की आग, बस वो लड़की प्रथा कुछ देर के लिए आई और सब तहस नहस कर गई, तो क्या हुआ? अब परचाई जी, मेरा तो ये मानना है कि अगर उर्वशी जी सामने से प्रपोज कर रही है अपनी बेटी की शादी के लिए, तो हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए ना। जैसा आप ठीक समझे माँ। ओए हॉट बेब्स, एक सुपर आइडिया है, ये दोनों मंडप तैयार है, शादी कर ले। क्या? ऋषभ और रीम की शादी कर ले। आइडिया कैसा लगा आंटी जी? चलो था, तुझे आज वो मिल गया जो तेरी चाहत थी, तेरी मोहब्बत, जा ऋषभ के पास, जा प्रथा, जी ले अपनी जिंदगी। तुम यहां वापस कैसे? तुम तो यश के साथ चली गई थी ना, तो अब मेरा बेटा ऋषभ भी रीम से शादी कर रहा है। तुम्हारी शादी ऋषभ के साथ हो चुकी थी, फिर भी किसी दूसरे का हाथ थाम कर तुम यहां से चली गई थी। नहीं जाना चाहिए था तुम्हें, आई थिंक तुम भी नहीं जाना चाहती थी। देखा था तुम्हारी आंखों में मैंने ऋषभ के लिए प्यार, उस प्यार को छोड़कर तुम कैसे चली गई प्रथा? क्यों चली गई तू? आप वापस क्यों आई हो? क्या करने? नहीं कर सकी, मैं उससे शादी नहीं कर सकी, कैसे करती? मेरा प्यार तो प्रथा, बेटा मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन प्रेम और ऋषभ। नहीं नहीं मम्मी जी, गलती तो मेरी है, छोड़ के तो मैं गई थी ना, तो कैसे उम्मीद रख सकती हूँ कि ऋषभ जी मेरे लिए इंतजार करें? सहरा लेकर आइए, सहरे की रस्म शुरू करते हैं। नहीं देख सकती, नहीं देख सकती मैं अपने प्यार को अपने हाथ से दूर जाते हुए, नहीं देख सकती मैं उसे किसी और का होते हुए, मुझसे नहीं होगा, अपने प्यार को मैं अपने हाथों से छूटते हुए नहीं देख पाऊंगी मम्मी जी,
मैं जा रही हूँ। तुम अकेले जाओगी कहाँ? पता नहीं, मैं जा रही हूँ। नहीं प्रथा, इस तरह होती नहीं। इसे तुम अपने पास रखो, पर मैं आ रही हूँ। मैं तुम्हें छोड़कर आती हूँ। चलो बेटा। मम्मी जी, इतने दिनों में अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सब किस्मत का खेल है। लेकिन ये मेरा अटूट विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी बहुत जल्दी मिल जाएगा, जो तुम्हें अपनाएगा, जिसके लिए तुम बनी हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। संभल कर जाना बेटा। प्रथा, कहाँ जा रही हो? यहाँ से दूर जा रही हूँ। कुछ दिनों के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। कुछ दिनों में मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास। तुम नीलगिरी की पहाड़ी के पीछे जो महल है वहाँ क्यों नहीं चले जाती? क्या? हाँ, लगता है बहुत बुरी तरह दिल टूटा है आपका। आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप मेरे लिए अजनबी है, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। कभी कभी अजनबियों से बात करके जिंदगी का गम सुलझ जाता है। वो क्या है ना, अजनबी बस एक बार मिलते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आपकी सारी यादें, आपकी सारी बातें आपके पास छोड़ के चले जाते हैं। आपका नाम? लोग मुझे फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ता? क्या है ना, मेरी माँ का मानना है, जैसे कहानियों में इच्छाधारी नागिन होती है, वैसे ही फरिश्ते भी होते हैं। फरिश्ते? फरिश्ते। जब कहानी एक ऐसे मोड़ पे आ जाती है, जब लगता है कि कहानी खत्म हो गई, तो वो कहानी का मोड़ बदल देते हैं। कभी लोग मरते हुए फरिश्ते को याद करते हैं, और कभी कभी एक डॉक्टर फरिश्ता बन के आ जाता है। कभी कोई बीमार मुफलिस व्यक्ति अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त पे हो और उसे नौकरी मिल जाती है, और उसे लगता है कि वो नौकरी देने वाला ही उसके लिए फरिश्ता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सही में फरिश्ता हो। मेरी कहानी में अब कुछ नहीं बचा, इसलिए आप मुझे रहने दीजिए। शिव की भक्त हो? हाँ। एक बार शिव जी ने कहा था मुझसे। आपसे? हाँ, ऐसा कह सकती हो। उन्होंने कहा था जब इंसान का कोई नहीं होता तो उसका भगवान होता है। ये लो। ये क्या है? पढ़ो इसे। चलो एक पल के लिए मुझे फरिश्ता मान लो। अब जब तुम्हारी कहानी खत्म हो रही है और मैं तुम्हें ये किताब दे रहा हूं, तो क्या पता है इस किताब में तुम्हारी एक नई कहानी है।
शेषनाग की किताब। काम हो गया? हाँ। मेरी यहां कहानी खत्म हुई। अब मैं अपनी जिंदगी में, अपनी कहानी में वापस लौट जाऊंगा। लेकिन आपकी किताब अब उसके पास है, पर वो ये नहीं जानती कि असली फरिश्ता ही फरिश्ता बन के आया था। कालों के काल महाकाल, मैंने एक दिन शिवजी से पूछा, आने वाले सालों में क्या कोई ऐसा वक्त आएगा जहां भारत और शिव भूमि पर संकट आएगा? तो शिव जी बोले, एक वक्त आएगा जब कपटी देशद्रोही असुर इस देश का विनाश करेंगे। वक्त ऐसा आएगा कि असुरों के विनाश के लिए शेष नागिन को स्वयं चुनेगा ब्रह्मांड, और वो आएगी असुरों के विनाश के लिए देश के प्रतिशोध के लिए। एक वक्त ऐसा भी आएगा जब शेष नागिन को लगेगा उसका काम हो गया, उसकी कहानी का अंत हो गया, पर उस अंत से ही उसकी एक नई शुरुआत होगी। ये मेरे साथ अभी जो आदमी बैठा था वो कहाँ गया? अभी तो यहीं पे बैठा था। वहाँ तो कोई नहीं बैठा था। आपने देखा क्या? मेरे साथ ही एक आदमी बैठा था। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पास फरिश्ता ही गया था। उसे लग रहा है कि उसका लक्ष्य खत्म हो गया, लेकिन उसका लक्ष्य अब शुरू होगा। वो छह चेहरे जिसके बारे में उसको पता था, उनके विनाश के बाद एक सातवां असुर आएगा, और उस सातवें असुर से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। छह चेहरे, उनके विनाश के बाद जो सातवां असुर आएगा, उस असुर से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होगी। ये सातवां असुर, मुझे पता है कि बहुत सारे असुर थे, छह की कहानी तो उस घर से जुड़ी थी, पर ये सातवां कौन था? उन पांच असुरों में से पहला महाअसुर शेष नागिन की आंखों के सामने ही होगा। वो शेष नागिन के प्यार पे प्रहार करेगा, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। बस कर, बहुत मार लिया तूने, अब तू मरेगा। इस देश से बदला लेने के लिए आपने मेरे पति पर भी हमला करवाया। मैंने कुछ नहीं किया। उस पर हमला करने के लिए आपने उसके पीछे गुंडे भेजे थे। मैंने नहीं भेजा था। मतलब जो सातवां महासुर है वो ऋषभ जी पे वार कर रहा है, और मेरी आंखों के सामने मैं बस उसे देख नहीं पा रही, वो है कौन? नाग वंश के सबसे बड़े दुश्मन का विनाश महासुर का वंश, उस वंश से होगा वो सातवां। मैं ऋषभ जी को कभी खुश नहीं होने दूंगी, उन पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी। प्लीज बस रोकिए। प्रथा, प्रथा, मैं तो तुम्हें वहां छोड़कर आई थी, तुम्हें कहीं जाना था ना, तुम वापस आ गई। मम्मी जी, मुझे वापस आना पड़ा, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे ऋषभ जी से बात करनी है, कहाँ है वो? लेकिन प्रथा, रीम और ऋषभ की शादी हो चुकी है, बस गृह प्रवेश की तैयारियां हो रही है। बहुत जरूरी है। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ।
ऋषभ? ऋषभ? आओ रीम। ऋषभ, ये क्या किया तुमने? मैम, मैं रीम के साथ मंडप में बैठ गया था, पर बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। तो मैं क्या करता, आप बताइए। अगर मैं ये शादी कर लेता तो क्या ये रीम के लिए ठीक होता क्या? नहीं ना। मां, मैं रीम को फिर से उसी मंडप में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, ये उसके साथ बहुत गलत होता। रीम भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ डिजर्व करती है और मैं उसको ये देना चाहता था। मां, मैं इस सब करने से पहले आप सबको बताना चाहता था, पर मुझे लगा अगर मैं आपको ये सब बता दूंगा तो शायद ये शादी हो ही नहीं पाएगी, इसीलिए मैंने पहले शादी कराई और उसके बाद आपको बता रहा। अन्या, श्रीजा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, करंट आ रहा है। मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं रीम से शादी नहीं। अब एहसास हो रहा है कि मुझे तो प्रथा से प्यार है। रिच, मेरे भाई, मेरी एक मदद करेगा। देख, मैं जानता हूँ मैंने तुझसे तेरा प्यार ले लिया, तुझे बहुत दर्द दिया ना मैंने, मुझे माफ कर दे। देख, इसलिए भगवान ने मुझसे भी मेरा प्यार छीन लिया। देख, मैं अपनी जिंदगी तो बना नहीं पाया, लेकिन तेरी बनाना चाहता हूँ, साथ ही साथ इसकी भी। तू रीम से शादी करेगा? क्या बात कर रहे हो यार, होश में तो हो आप? देख रिच, अब यही एक तरीका है गलत को सही करने का। मैं जानता हूँ कि रीम ने मेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन मैं शायद उसे वो प्यार नहीं दे सकता। तू बता, रीम के साथ ये करना सही होगा? नहीं ना। अब तू रीम की शादी को मेरी जिम्मेदारी समझ। तू बता, तू रीम से शादी करेगा? हाँ, बोल दे प्लीज। रितेश, मेरी हार। मैं भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने रीम से भी बात की। रीम को भी कोई एतराज नहीं है शादी से। उसने मुझसे बोला कि अगर मैं उसे प्यार नहीं करता तो उसने भी बोल दिया कि वो लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं तुमने शादी नहीं की। मैं जानता था तुम नहीं कर पाओगे। आप भी तो नहीं कर पाए। चलो चलो। Thank you.
उन पांच असुरों में से पहला महाअसुर शेष नागिन की आंखों के सामने ही होगा। वो शेष नागिन के प्यार पे प्रहार करेगा, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा।